तो अपने आने वाली पीढ़ी को अपने औलाद को बताएंगे बेटा यहाँ पे ये चीज था, यहाँ ये मिटा के ये बना हुआ है। अयोध्या के मुस्लिम में जय श्री राम का नारा लगाता वो लगाते होंगे। राम का नारा तो नहीं लगा सकता कोई मुस्लिम नहीं लगा सामने कई सारे लगाया। हो सकता है वो ईमान वाले ना हो। क्या ईमान वाले ना हो? कोई हिंदू दोस्त हो वो कहे कि आप जय श्री राम का नारा तो हम नहीं लगाएंगे, ना लगाएंगे ना उससे कहेंगे। कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सब ने बताया कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, बिल्कुल नहीं तोड़ा गया कुछ नहीं नहीं। वहाँ बस उन्होंने रात में चोरी से मूर्ति रखी गई थी, उससे आज तक बवाल चल रहा था। बस चोरी से मूर्ति रखी बस। इसहाक अहमद, इसहाक अहमद, इसहाक अहमद, इसहाक एकदम फ्री होके दुकान लगाए हुए हैं, कोई डर नहीं है, कोई डर वाला माहौल नहीं है जी। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि हम अपनी नस्लों को बताएंगे वो गलत नहीं बोल रहे हैं, हम कैसे छुपा ले जाएंगे उसको, हम उसको कैसे छुपाएंगे। हम भी तो अपने आने वाली पीढ़ी को अपने औलाद को बताएंगे बेटा यहाँ पे ये चीज था, यहाँ ये मिटा के ये बना हुआ है, हम इसको क्यों छुपाएंगे। तो क्या मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दें, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये इतिहास हम अपने बच्चों को बताएंगे, ये इतिहास अपने बच्चों को बताएंगे, ठीक है ना। बाकी जो इतिहास जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हम मान रहे ना, उसको तो हम मान रहे हैं। इतिहास बताने का क्या फायदा, मतलब अपने बच्चों को बताएंगे ना कि यहाँ पे पहला चीज पहले था, अब ये चीज हुआ, ये तो हम बताएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम इनकार नहीं कर रहे ना, उसको तो मान ही रहे ना जो उसने किया, लेकिन अपने बच्चों को तो बताएंगे ना ये बात को। कहाँ का इतिहास बताएंगे, अयोध्या का 1528 वाला या उससे पहले वाला, क्या चीज ये 92 का बताएंगे बेटा, ये 92 ये हादसा हुआ था ये, क्योंकि 1528 में ये मस्जिद बनी है, 1528 बनी है ना, हम नहीं थे ना, जो हमने अपनी नजरों से देखा वो चीज बताएंगे ना, जो चीज हमने अपनी नजर से देखा वो बताएंगे। 5 साल पहले बात, अब 500 साल पहले हम थे, रुक जा बे। जो हम क्या लगता है कि अगर ऐसे अपने बच्चों को ये चीज बताई जाएगी तो उनके अंदर भड़काऊ चीजें नहीं आ जाएगी? क्यों भड़काऊ, भड़काऊ बात ये बताएंगे ना, हाँ हम यहाँ के रहने वाले, यही मेरी पैदाइश है, हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे। तो उसको अच्छे वे में लेंगे गलत वे में लेंगे? अच्छे वे में लेंगे। हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया वो तो यही सोचेंगे ना? क्या चीज, अगर आप ये बताएंगे उनको कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी और आज राम मंदिर बन रहा जी, बन चुका जी, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया? नहीं टूटा है, नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, यह जवाब आप दीजिए हमको। मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनी है, ये जवाब दीजिए हमको आप। और मस्जिद कैसे बनी थी, मस्जिद कैसे बनी? हमारी नज़र जब हम होश संभाले हैं तो हमने मस्जिद को देखा, उसके बाद कैसे मस्जिद बनी ये हमको नहीं मालूम, जो हमने होश अपनी आंखों से देखा वो मस्जिद तो थी। जज ने भी कहा है कि मंदिर मस्जिद जो बनी थी वो मंदिर तोड़ के तो नहीं बनी थी, जज ने खुद कहा, जज ने कहा जिसने फैसला दिया था। अच्छा, उसमें ये नहीं कहा गया कि जो अवशेष मिले हैं उस वो पूरे मंदिर से मिलते जो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ उनने कहा कि सब कुछ ठीक है, मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, कोई ऐसा नहीं मिला है, मगर आस्था के वजह से मैं उनको फैसला देता हूँ। हमें जज के और सरकार के ऊपर कोई वो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सरकार ठीक है। बात ये है, ये आप जान लीजिए कि यहाँ अयोध्या का कोई माहौल ख़राब नहीं है, समझ रहे हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ से अयोध्या फैजाबाद में रहते हैं, अभी हम अयोध्या घूमने चले जाएँ तो वहाँ पे हमको 100 लोग हमारा मिलेंगे जानने वाले, ऐसी कोई भेदभाव नहीं है ना कोई इसी वो है। ये जो बाहर के लोग अपना खुश है कि मंदिर बन रहा है या नहीं, हम तो खुश तो हैं ही, खुश तो है ही है, लेकिन जो आपका जुमला तो वैसे साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा, तो ये चीज़ तो बात सही वो बोल रहा है ना, हम तो वो उसकी बात को और कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज़ तो बच्चों को बताना ही पड़ेगा ना हमको, अपनी नई नस्ल क्यों बताते हैं। अच्छा, ये नहीं बता सकते कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ, केवल यहाँ श्री राम ही रहते थे, केवल श्री राम यहाँ पे थे, अयोध्या में तो श्री राम जी की जन्मभूमि है। इसको जो है ये उर्दू तहजीब क्यों पहचाना जाता है ये हमको बताइए आप, ये उर्दू तहजीब क्यों पहचाना जाता है, यहाँ भाईचारा क्यों पहचाना जाता है, ये आप बताइए ना। यहाँ तो जो लोग बताइए ना, अगर आपको जानकारी होगी तो मैं समझूँ, या फैजाबाद के लोग बाहर वाले यही तो कहते हैं कि सबसे बड़ी तहजीब यही की है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं होता है, हाँ यहाँ एक दूसरे से मिलने जुलने वाले हैं,
होली गया मुझे भी बताया गया होली में कि जितना जितना खुश राम मंदिर बनने से हिंदू नहीं हो रहा उससे ज्यादा खुश मुसलमान है। क्या जी खुश तो है लेकिन हम यहाँ के अयोध्या के मुस्लिम जय श्री राम का नारा लगाता वो लगाते होंगे। राम का नारा तो नहीं लगा सकता कोई मुस्लिम नहीं लगाते। मुस्लिम नहीं लगा सामने कई सारे ना हो सकता है वो ईमान वाले ना हो। क्या ईमान वाले ना हो वो ईमान वाले ना हो। हाँ मतलब जो ईमान वाला होगा वो जय श्री राम का नारा नहीं नहीं लगाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा लिखा है हम लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हैं एक अल्लाह को। तो आप मतलब कि अगर भाईचारा कैसे बनेगा। अरे भाईचारा हम उनको बुरा थोड़ी कह रहे हैं हम बुरा थोड़ी कह रहे हैं उनके भगवान या श्री राम को हम बुरा थोड़ी कह रहे हैं। अपनी अपनी आस्था है जैसे वो श्री राम को मानते हैं हम अल्लाह को मानते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते वो श्री राम के सिवा किसी को नहीं मानते तो हमको कोई उनसे इतराज़ थोड़ी है। भाईचारा कैसे होगा। अरे यार भाईचारा मोहब्बत से होती है इंसानियत से होती है। भाईचारा तो इंसानियत से है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक मिनट आप कह रहे हैं भाईचारा कैसे बनेगा तो भाईचारा हम क्या उनसे जबरदस्ती कहें आप अल्लाह को मानिए नहीं ना जबरदस्ती तो कह नहीं सकते। जबरदस्ती की बात नहीं नहीं तो आप कह रहे हैं कैसे भाईचारा बनेगा। मैं तो भाई पूछ रहा हूँ कैसे भाईचारा बनेगा। भाईचारा तो इंसानियत है इंसानियत से भाईचारा है। हमें उनके आपको कोई हिंदू दोस्त हो वो कहे कि आप जय श्री राम का नारा तो हम नहीं लगाएंगे ना लगाएंगे ना उससे कहेंगे ना लगाएंगे ना कहेंगे। हमारे तो ये फैजाबाद के हमारे भी नहीं लगाएंगे। पहली बात सुनिए हमारे फैजाबाद के अंदर जैसे आपका ये जुमला था कि आपका दोस्त है वो कहेगा कि जय श्री राम का नारा लगाओ हमारे फैजाबाद में तो ऐसा कोई दोस्त हिंदू समाज का है ही नहीं कि जो हमसे जबरदस्ती कहेगा। जबरदस्ती मैं जबरदस्ती नहीं अगर वो कहे मतलब मोहब्बत में ही नहीं वो हमसे ये बात नहीं कहेगा। हम लोग नहीं कहेंगे दोस्त यार वो हिंदू मुसलमान सब है यहाँ पे सब हिंदू मुसलमान हमारी आस्था हमारे साथ उसकी आस्था उसके साथ है वो हमसे कहेगा ही नहीं कहेगा ही नहीं वो कहेगा ही नहीं। अगर उसकी कोई रैली निकलती है या कोई कल यात्रा निकलता है हमको दावत नहीं देगा। क्यों नहीं वो जानता ना कि उसके हमारे आस्था में वो शामिल नहीं होगा। मैंने तो सुना है कि जब चीजें होती हैं तो दोनों त्यौहार तो होली हाँ ये है कि साथ में रहते हैं जैसे यहाँ पर दुर्गा पूजा भंडारा रहता है तो हम लोग प्रसाद हम लोग बांटते हैं खाते भी हैं लेकिन अब कहो कि अब तुम यहाँ स्टेट पे खड़ो कि जय श्री राम का नारा लगाओ तो ये थोड़ी रान को हमारा दोस्त कहेगा ही नहीं है। ये दावत ये देगा कि आना भंडारे में सबको यार प्रसाद बांट देना प्रसाद बांटते भी थे और खाते भी होली खेल होली भी साथ में खेलते हैं वो हमारे यहाँ ईद में आते हैं उनके होली में जाते हैं दीपावली मनाते हैं दीपावली तो मनाते ही हैं। त्यौहार से कोई नारे नहीं लगाएंगे नारे क्यों लगाएंगे किस बात का नारा लगाएंगे हम किस बात का नारा लगाएंगे भले बताइए। मैंने तो यही सुना था कि कई सारे लोग मेरे चैनल पे आके खुद बोले हैं कि मैं मुसलमान मतलब ये क्या बात हुई ईमान वाले नहीं यहाँ पे जो कर रहे हैं जो मुस्लिम कर रहे हैं उनको हमको इतराज भी नहीं है ठीक है ना इसलिए उनका अमाल उनके साथ रहता है हमारा अमाल हमारे साथ रहता है हम उनको बुरा क्यों कहेंगे। मतलब अच्छा इस्लाम में बताया गया कि किसी दूसरे धर्म का नारा नहीं लगाना ये हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि आप भाईचारा बना के रखो किसी से नफरत ना करो किसी से नफरत ना करो। हाँ अगर पड़ोसी अगर भूखा है तुम गोश्त खा रहे हो तो अगर तुमने गोश्त खा लिया तो तुम्हारा जो हराम हो जाएगा पहले पड़ोसी को पूछो कि क्या कि भूखा है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर दोस्त ये कहे कि भाई अब खुशी का मौका है भव्य मंदिर बन रहा है तो साथ मिलकर हम जय श्री राम का नारा लगाए वो नहीं। अब अगर यही हम कह रहे कि हमारी आस्था के नारा लगाओ वहाँ पे लगा दिया तो हम भी लगाएंगे। चलिए अगर उसने हमारे आस्था का नारा लगा दिया तो हम तो हम भी लगाएंगे वहाँ वही ना भाईचारे वाली बात ना वो लगाएगा ना मैं लगाऊंगा जो लगा रहा कोई राज भी नहीं है जो लगा मंदिर बन रहा है मंदिर बन रहा है कोई आपत्ति नहीं है कोई आपत्ति नहीं है। रोजगार बढ़ेगा क्या लगता है वहाँ रोजगार बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा बेफिक्र होके बैठे हुए हैं क्या कोई बेफिक्र होके बैठे हैं ऐसी कोई हम लोग को डर नहीं है कि राम मंदिर है तो बाहरी पब्लिक आएगी तो हम लोग को कोई डर नहीं है इसलिए कि योगी सरकार है योगी जो गलत करता है उसके लिए गलत होगा तो हम लोग ये भाई साहब एक मिनट एक सवाल और रह गया था एक इधर आ जाइए जरा वो बहुत अहम सवाल है। एक मुस्लिम नेता है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये 20 तारीख से 25 तारीख तक ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए तो क्या ऐसा जो बयान दे रहे हैं वो क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं डराने की कोशिश समझ गए ना किनकी बात जी डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो अब जितने भी 22 तारीख को हर तरफ के लोग आने को ही उनको आस्था है कि हम जाएंगे ही तो जाएंगे ही
ठीक है ना, बीजेपी तुम्हारी कट्टर दुश्मन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है उनका ऐसा बयान है? ऐसा कुछ नहीं है, उनका जो बयानबाजी वो अपना पार रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सही है कि जैसे कि जरूरी नहीं है कि जब भीड़ आए तो उसमें दो चार निकाब वाली सफर करे, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी चीज है कि रोक रहे हैं कि अभी दो चार, अगर मुझे कह रहे हैं कि मुसलमानों की कट्टर दुश्मन, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन तो बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। यही सपा का शासन होता था कि हम लोग को जो है ये लाड़ी लगाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई है हम लोग को बहुत सहूलियत दे रही है, हमको लोन भी दे रही है, उसका ब्याज भी नहीं भुगतान करना पड़ रहा है, हम लोग को उसी पैसे से हम लोग कारोबार उसी पैसे कर रहे हैं। हाँ, सरकार से कोई शिकायत नहीं, सरकार तो अच्छी, सरकार तो हम लोग के लिए तो बिल्कुल खड़ी हुई है कि आपको जैसा लोन चाहिए लीजिए। मतलब योगी सरकार से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो कहते ना कि मुसलमानों का दुश्मन तो योगी जी बैठी थी, भैया हमको तो दो अपने रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हमको राजनीति करने का मतलब जो कर रहे उस समय मतलब है। दंगे में कोई राजनीति आदमी मरा गरीब के सिवा? तो ये राजनीति है, वो लोग वहाँ से बोलते हैं, हम जैसे जाहिल लोग उसको बढ़ावा दे देते हैं, जो बढ़ावा देते हैं वो जाहिली हैं। आज तक इतने दंगे में कोई बता दीजिए कोई बिजनेसमैन मरा हो या कोई दंग नेता मरा हो, कोई बताइए मरा है? सही बात, ये तो सिर्फ वहाँ से बोल दिया, वो तो राजनीति जुमला है, राजनीति जुमला के अंदर राजनीति जुमले को हम लोग दिमाग में लगाने भर नहीं छोड़ दिया, दिमाग में लगन भर नहीं छोड़ दिया राजनीति नेता की बातें, बस सरकार जिसकी भी हो वो सरकार अच्छी चलाए हम लोग को खुशी है। क्या नाम हो गया अंकल जी आपका? मोहम्मद शकील। कहाँ के रहने वाले? चौक। यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं अपने नए घर में, क्या माहौल है, आपने क्या सोचा है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब चीज़ सही हो रहा है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, बस सब सही हो रहा है, सब सही हो, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, हाँ जो सही हो रहा है सब सही। तो नेता लोग जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं गलत ही तो हो रहा है, ओवैसी साहब का एक मैं बयान अगर आपको बताऊं तो वो कह रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को याद कराएंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़कर ये मंदिर बनाया जा रहा है। क्यों नहीं याद कराएंगे, वो अगर उनकी चीज़ है और कुछ टूटा है, कुछ दिक्कत है, तो अपना इजहार, गम का इजहार तो कर सकते हैं ना, कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं वो अपनी बात है। कि अगर ऐसे चीज़ें होंगी तो आपस में मतभेद होने लगेगा, जो नौजवान आएंगे वो उनके अंदर ऐसे जहर सा उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ यार हमारी मंदिर को तो हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना रहे हैं। ये जो टूटा तो है तो सही है, सबको पता है कि बाबरी मस्जिद टूटी है, बना है, सब कुछ सबको पता है ये बात। हाँ, लेकिन क्या कहेंगे माहौल के, सबको ये भी पता है कि बाबरी मस्जिद कैसे बनी थी, किसने बनाई थी बाबरी मस्जिद? तो मीर बाकी ने बताया था कि बनाई थी बाबर के उस पे, बस ये इतना पता। मंदिर को तोड़कर बनाई थी? ना, मंदिर तोड़ के नहीं बनाई। अच्छा, हाँ ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सब ने बताया कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, बस बिल्कुल नहीं तोड़ा गया, कुछ नहीं नहीं वहाँ, बस उन्होंने रात में चोरी से मूर्ति रखी गई थी, उससे आज तक बवाल चल रहा था, बस चोरी से मूर्ति रखी, बस किसी उसके उस पर FIR भी है, सब कुछ है, कोई उसमें कोई झूठ बात भी नहीं है, और ये पूरी दुनिया को पता कि चोरी से रख दी गई थी वो मूर्ति। तो क्या अब मंदिर बन रहा है तो रोजगार आसपास आएगा या क्या लगता है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब इतना सारी ट्रेनें देंगे, प्लेन देंगे, एयरपोर्ट देंगे, तो क्यों नहीं आएगा, रोजगार बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा।